केवल विधानसभा सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती है। बहुमत साबित नहीं करने की स्थिति में कैबिनेट का फैसला के बिना विधानसभा भंग करने की बात राज्यपाल से नहीं कही जा सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ वरीय अधिवक्ता डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव जी है। सर, सबसे पहले आपको स्वागत है। धन्यवाद सर। बिहार में राजनीति उथल पुथल बहुत हो रही है। विधानसभा अध्यक्ष ने एक बयान देकर राजनीतिक माहौल को गर्मा दिए हैं। वो कहे हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। इस्तीफा देने का क्या प्रावधान है? विधानसभा अध्यक्ष को हटाने का क्या प्रावधान है? तो जहाँ तक विधानसभा अध्यक्ष को हटाने का जो नियम है, जो संवैधानिक प्रावधान है, जो नियमावली है, उसके तहत विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए एक 14 दिन का नोटिस दिया जाता है विधानसभा अध्यक्ष के सचिव के माध्यम से, जो सचिव को जाता है, विधानसभा के सचिव को जाता है, और विधानसभा के सचिव के द्वारा विधानसभा अध्यक्ष के सामने वो 14 दिनों के अंदर रखा जाता है। और तब जब सदन आहूत होता है तो सदन में विधानसभा अध्यक्ष अपने मौजूद होकर सदन के सदस्यों के सामने इस बात को रखते हैं कि मेरे खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव इस सदन के द्वारा लाया गया है, सदन के कुछ सदस्यों के द्वारा यहाँ लाया गया है, इस पर विचार होना चाहिए। अगर यह सही है तो कौन कौन लोग इसके पक्ष में हैं, खड़ा होकर इस पर अपना मंतव्य दें। ऐसी स्थिति में अगर 38 लोग 38 MLAs अगर खड़ा होकर इस बात के लिए बोलते हैं कि अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हम साथ हैं, तो ऐसी स्थिति में अविश्वास प्रस्ताव मंजूर हो जाता है, और मंजूर होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष अपनी कुर्सी से उठकर नीचे आ जाते हैं और उपाध्यक्ष कुर्सी पर आ जाते हैं, और तब विधान उस पर जो हाउस का मेजोरिटी टेस्ट के लिए दूसरे दिन फिर सदन आहूत होती है, और दूसरे दिन जब सदन आहूत होता है तब अध्यक्ष की कुर्सी पर उस दिन विधानसभा के उपाध्यक्ष बैठते हैं, और तब उस प्रस्ताव पर कि ये प्रस्ताव आया है विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का, उस पर विभिन्न दलों के जो नेता होते हैं अपना विचार रखते हैं, और विचार के बाद फिर वोटिंग होती है। वोटिंग प्रक्रिया में बिहार विधानसभा में जो 243 सदस्यों की संख्या है उसमें मेजोरिटी नंबर जो है मैजिक नंबर 122 है। अगर 122 लोग खड़ा होकर एक सौ बाईस से ज्यादा अगर इस बात के पक्ष में मतदान करते हैं, अपनी स्वीकृति देते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ हमारा अविश्वास प्रस्ताव है और हम इसके पक्ष में मतदान करते हैं, इन्हें विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कंटिन्यू करने का कोई मोरल राइट नहीं है, तो वह पारित हो जाता है और विधानसभा अध्यक्ष अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, अपनी कुर्सी छोड़ देते हैं, और तब उस आसन पर विधानसभा के उपाध्यक्ष आसीन होते हैं, या तो विधानसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा फिर सदन की कार्यवाही आगे बढ़ती है, या सदन में फिर जो सत्ताधारी दल है एक विधानसभा अध्यक्ष के लिए किसी व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव देता है, उस प्रस्ताव पर दोनों पक्ष की ओर से वोटिंग होती है। अगर विपक्ष चाहे कि हमारा भी उम्मीदवार होगा तो वह भी एक नाम को देता है। दो उम्मीदवार अगर पक्ष और विपक्ष से आ गए तब वोटिंग की बात आती है। अगर दो उम्मीदवार नहीं आए, एक ही उम्मीदवार अगर आया, तो ऐसी स्थिति में सर्वसम्मति से उन्हें अध्यक्ष मान लिया जाता है और उन्हें अध्यक्ष मानते हुए आगे की कार्यवाही उनकी अध्यक्षता में चलती है। अच्छा, 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है। जिस तरह से राजनीतिक सरगर्मी है उसमें कहा जा रहा है कि 10 से 12 विधायक जदयू के राजद तोड़ रहे हैं। एक नियम यह भी है क्या, जो 243 सीटें हैं, यदि उसमें 10 से 12 विधायक नहीं आए, बहाना बना लिए, तो उस परिस्थिति में क्या 233 पर वोटिंग होने का प्रावधान है क्या? रद्द करने का कहीं कोई, केवल विधानसभा सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती है। विधानसभा सदस्य की सदस्यता रद्द होने का कुछ प्रावधान है, कुछ नियम तरीके हैं। उसके लिए जिस दल का वो विधानसभा सदस्य होता है, वह अगर उस दल के व्हीप का उल्लंघन करता है या दल विरोधी कोई कार्य करता है, तो उसके लिए विधानसभा अध्यक्ष को या जो भी सदन हो, विधान परिषद के अध्यक्ष को लिखकर दिया जाता है, और इसका फैसला सदन के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है कि जो बात आई है व्हीप का उल्लंघन करने का या दल विरोधी काम करने का, उसे भी मौका दिया जाता है। जिसके खिलाफ व्हीप के उल्लंघन का या दल विरोधी काम करने का जिस पर आरोप होता है, जो जिस पार्टी का वह सदस्य होता है, अगर हटाना चाहती है, तो अध्यक्ष उसको ही मौका देते हैं कि
प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार कि आपको अपने बचाव में अगर कुछ कहना है या वकील रखना है तो आप अपनी बातों को अपने माध्यम से या वकील के माध्यम से अपने बचाव में कह सकते हैं और दोनों पक्षों की बातों को सुनने के बाद ही अध्यक्ष किसी सदस्य की सदस्यता को समाप्त करते हैं। अगर त्याग पत्र व्यक्तिगत रूप से कोई जाकर अध्यक्ष को देता है और कहता है कि मैं स्वतः त्याग पत्र दे रहा हूं और वो फिजिकली प्रेजेंट होता है तो ऐसी स्थिति में सदन का अध्यक्ष उनकी सदस्यता पर जो छोड़ने का सवाल है, त्याग पत्र का सवाल है, उसे सदन के अध्यक्ष स्वीकार कर लेते हैं। अभी आपने देखा होगा कि विधान परिषद में आरजेडी के ही प्रोफेसर रामबली जी के खिलाफ दल विरोधी कार्य का एक आरोप आया था। दल ने उसका विधान परिषद के अध्यक्ष के खिलाफ के यहाँ इस बात को रखा था। प्रोफेसर रामबली चौधरी ने अपने वकील के माध्यम से अपना बचाव किया लेकिन अपने आप को बचा नहीं पाए वो, और विधान परिषद के अध्यक्ष ने उन्हें राजद की सदस्यता से उन्हें हटा दिया, उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। चूंकि दल ने जो उन पर आरोप लगाया था और सदन के चेयरमैन ने उनको बचाव का मौका दिया, वकील के माध्यम से भी उन्होंने अपने आप को बचाव का पूरा प्रयास किया लेकिन अपने बचाव में तर्क नहीं दे सके, साबित नहीं हो सकता, इसलिए उनकी सदस्यता चली गई। तो सदस्यता समाप्त होने का यही तरीका है, चाहे वो विधानसभा का हो, विधान परिषद का हो या लोकसभा का भी हो। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी की भी सदस्यता समाप्त होने का जहां तक सवाल है, तो जब कोर्ट का फैसला आया तो कोर्ट के फैसले को लोकसभा के महासचिव के यहाँ उस चीज को दिया गया और वो लोकसभा के अध्यक्ष के पास उस चीज को रखा गया और उन्होंने 24 घंटे के भीतर राहुल गांधी की सदस्यता को उन्होंने समाप्त कर दिया। अच्छा सर, यदि नीतीश कुमार बहुमत हासिल नहीं कर पाए, बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए, तो क्या उस परिस्थिति में वो विधानसभा को भंग कर सकते हैं, राज्यपाल के पास भंग करने के लिए प्रस्ताव दे सकते हैं? बहुमत साबित नहीं करने की स्थिति में कैबिनेट का फैसला के बिना विधानसभा भंग करने की बात राज्यपाल से नहीं कही जा सकती है। लेकिन आज के जमाने में जो अभी लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करते हुए नैतिकता का जहां कोई सवाल नहीं रह गया है, ऐसी स्थिति में कोई विधानसभा भंग करने की बात राज्यपाल से कह सकता है। लेकिन जैसे ही भंग करने की बात आएगी, विपक्ष का जो सबसे बड़े दल का नेता होगा वह राज्यपाल के यहाँ अपने दल के प्रतिनिधियों के साथ जाकर कहेगा कि चूंकि जो सरकार थी वह विश्वास मत खो चुकी है और उसके बाद सबसे बड़े दल के नेता के रूप में हम हैं, सबसे बड़ा दल मेरा है, इसलिए हमें सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए और जो समय आप दीजिएगा, चाहे 2 दिन 4 दिन 8 दिन या 24 घंटे का जो भी समय दीजिएगा, उतना समय में हम अपनी बहुमत साबित करेंगे। तो बहुमत साबित करने के वादे के साथ राज्यपाल उनको मौका दे सकते हैं कि आप अमुक समय में आइए और अपना ओथ लीजिए अपने लोगों का और 1 सप्ताह या 10 दिन 15 दिन के भीतर आप अपना बहुमत साबित कीजिए। यदि राज्यपाल मौका नहीं दिए तब क्या होगा? राज्यपाल अगर मौका नहीं देते हैं तो आज जो राज्यपालों की स्थिति है इस देश में, वे सत्ताधारी दल के पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रहे हैं, चाहे बंगाल की बात हो या केरल की बात हो या और अन्य राज्यों की बात, तमिलनाडु की बात हो, आप देख रहे हैं कि राज्यपाल लोग सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में बिहार के राज्यपाल भी चूंकि भाजपा से ही जुड़े हुए लोग हैं, उनका क्या फैसला होगा इस पर हम नहीं कह सकते हैं। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के जो अभी आदेश आए हैं विभिन्न राज्यपालों के संबंध में, उसको आपने देखा है कि राज्यपाल ठीक ढंग से अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह नहीं कर सकते हैं, कर रहे हैं उसमें ये क्या करेंगे। अगर करते हैं इस तरह का, संवैधानिक दायित्वों के निर्वाह में कोई कमी आती है तो विपक्ष के पास सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का रास्ता बचा रहेगा और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से विपक्ष न्याय पाने की कोशिश। अच्छा।